नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं म्यूजिक सीखें चैनल पे। दोस्तों आज जो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूं, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आप अपने मोबाइल से ही म्यूज़िक को कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई वोकल सैंपल है या फिर म्यूज़िक पहले से बनी बनाई है या नहीं है तो भी आप इसके अंदर म्यूज़िक बना सकते हैं। अपने जो सॉन्ग है, जो वोकल आपने रिकॉर्ड किया था कहीं से या कहीं भी, तो उसको इस एप्लीकेशन में डाल के यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह आप जो है बड़े ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन की अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आप बीट बना सकते हैं, इसके अंदर आप गिटार लगा सकते हैं, इसके अंदर आप जो है पैड लगा सकते हैं, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी आपको इसके अंदर मिलते हैं। सिंपली उसको आपको एडिट करना होता है और उस इफ़ेक्ट को चेंज करके अपने स्केल के अनुसार उसको लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताता हूं और मेरी हमेशा कोशिश रहती है दोस्तों कि आप लोगों के लिए कुछ अलग वीडियो लेके आऊं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे दोस्तों, तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखते रहिएगा। और दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मोबाइल से स्टूडियो क्वालिटी ऑडियो कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं या फिर आई बटन पे भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जो गूगल प्ले पे बड़ी आसानी से मिल जाता है। और ये एप्लीकेशन का जो नाम है दोस्तों वो है बैंड लैब। दोस्तों बैंड लैब नाम की जो एप्लीकेशन है बहुत ही पॉपुलर है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। लेकिन सबसे पहले आपको इसके अंदर जो है लॉगिन करना होता है। सिंपली आपको यहाँ पे अपना जो ईमेल आईडी है उसे डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। विदाउट लॉगिन के आप इस पर काम नहीं कर सकते। तो जैसे ही लॉगिन हो जाए उसके बाद फर्स्ट स्क्रीन ऐसा ओपन होता है दोस्तों। यहाँ पे नीचे में जो आपको प्लस का आइकन दिख रहा है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट ट्रैक का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये इंपोर्ट ट्रैक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप जो है अपनी किसी भी म्यूज़िक या फिर कुछ भी आपका जो वोकल है, मान लीजिए कोई वोकल है जिस पे आप म्यूज़िक बनाना चाहते हैं या सेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे सैंपल उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब मेरे केस में मान लीजिए मेरे पास एक म्यूज़िक सैंपल है, सॉरी मेरे पास एक ऑडियो सैंपल है, तो हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। नॉर्मली जैसे इंपोर्ट होता है वैसे ही आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना जो है ऑडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपकी आप देख सकते हैं इंपोर्ट हो रहा है और थोड़ी देर में ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इस ऑडियो को थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा लग जाए कि किस तरह का ऑडियो है। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगाया, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, तो दोस्तों इस तरह का ऑडियो सैंपल है जो मैंने रिकॉर्ड किया है। ये एक्चुअल में पीसी से रिकॉर्ड किया हुआ है दोस्तों। तो अब मैं इसको मोबाइल पे ले गया हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर आप म्यूज़िक वगैरह कैसे सेट करेंगे। यहाँ पे जो प्लस का आइकन है दोस्तों इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो इंपोर्ट का, जो अभी मैंने आपको बता दिया। दूसरा ऑप्शन जो है वो है वॉइस का, यानी लाइव आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, बट ये उतना बेस्ट ऑप्शन नहीं लग रहा मुझे। तीसरा जो ऑप्शन है वो है गिटार का, यानी इस जो आपने ऑडियो इंपोर्ट किया यहाँ पे एक गिटार की आपकी ट्रैक बन जाएगी। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा गिटार पे, तो आपके सामने यहाँ पे गिटार का ट्रैक आ जाएगा। अगर आप गिटार आपके पास है तो सिंपली उसको यहाँ पे बजा लीजिएगा माइक से जोड़ के, अपने मोबाइल से कोई भी कॉलर माइक है उससे भी जोड़ के आप इस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो गिटार है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं आपको नहीं दिखाऊँगा क्योंकि मेरे पास अभी गिटार इसमें दिखाने को मोबाइल में नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद आपको तीसरा काम करना है, यहाँ प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे बेस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे गेट दैट रिदम का ऑप्शन आएगा, रिदम का। और उसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों एक तो यहाँ पे सबसे पहला आपका जो भी गिटार होगा, सॉरी जो भी बेस होगा उसको बजा लीजिएगा गिटार से। और यहाँ पे एफएक्स का एक ऑप्शन मिलता है, तो एफएक्स में आपको जो ऑप्शन मिलता है इसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इस एफएक्स को, ताकि आपका जो ऑडियो हो वो सुनने में अच्छा लगे। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है लूप का। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें इस ऑडियो क्लिप की बताता हूँ। लूपर जो है दोस्तों, इसमें ये एक्चुअल में एक तरह का बीट है जिसमें आप बीट बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको डिस्कवर पे सबसे पहले आना पड़ता है और यहाँ पे ढेर सारी आपको ऑप्शन दिख जाती है, जो भी आपको जिस तरह का म्यूज़िक चाहिए वो ले सकते हैं। चलिए मैं एक म्यूज़िक को प्ले करके देख लेता हूँ, फिर इसको यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे।
तो चलिए इसी को हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों डाउनलोड करना बहुत ही आसान है, राइट साइड में आप देख सकते हैं कि डाउनलोड बटन दिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना और ये आपका थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक ये डाउनलोड होता है। तो दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है, उसके बाद आपको दोस्तों आना करना क्या है, लाइब्रेरी में वापस आना है, बैक जो बटन है, और जो भी आपने यहाँ पे डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे सिंपली उस पर क्लिक करके यहाँ पे इनेबल कर लीजिए। जैसे इस पर अगर क्लिक करेंगे हम तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे रिकमेंडेड सेटिंग बोल रहा है, आप चाहें तो 95 BPM में इसकी सेटिंग टेम्पो लगा सकते हैं। तो चलिए इसके टेम्पो को हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। अब दोस्तों टेम्पो सेट करना बहुत आसान है, ऊपर में आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे लिरिक्स अपना ऐड कर सकते हैं या सेटिंग पे आएंगे तो यहाँ पे टेम्पो का ऑप्शन दिख जाएगा जहाँ पे आप अपने टेम्पो को बढ़ा सकते हैं। चलिए हम इसको 110 पे कर लेते हैं। उसके बाद की में दोस्तों आप चाहें तो की यहाँ से इसका बदल सकते हैं, जैसे जी मेज़र मैंने कर दिया, मेटोनोम के वॉल्यूम को आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई है दोस्तों। तो लेटेंसी में दोस्तों आप चाहें तो लेटेंसी फिक्स कर सकते हैं, मेरा ऑलरेडी फिक्स है। और फिर से हमें बैक आना है इस ऑप्शन पे और आपके सामने यहाँ पे आ जाता है एक स्क्रीन जहाँ पे आप जो है बीट वगैरह प्ले करके देख लीजिए और फिर इसको सेट कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ कैसे यह काम करता है। यहाँ पे जितनी भी ऑप्शन दिख रही है ऊपर से नीचे तक जो लाइन दिख रही है, ये एक एक बीट है, एक एक इसके अंदर ऑप्शन है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बजना शुरू हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और रिकॉर्ड करना बहुत ही आसान है दोस्तों। जो अभी मैंने यहाँ पे बीट वगैरह प्ले किया उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रेड बटन जो है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। आइए इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में अभी क्या है कि हमने जो है जो हमारी वॉइस थी उसकी हमने यहाँ से इसके टेम्पो सेट चेंज कर दिया था। तो अभी अगर इसके टेम्पो को हम यहाँ से एडजस्ट करें 95 तो ये साउंड अच्छी आएगी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर वोकल के हिसाब से ये मैच नहीं करेगा तो अच्छी म्यूज़िक नहीं बनेगी। तो चलिए हम इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करना बहुत आसान है, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे बटन पे, ये जो आपका म्यूज़िक है तो यहाँ पे डिलीट का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। चलिए एक बार हम फिर से इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया और ये छोटा सा लूप यहाँ पे, आप इसको चाहें तो लूप मोड में डाल के भी दोस्तों इसको चला सकते हैं। तो जहाँ से मेरा म्यूज़िक है, सॉन्ग है दोस्तों, जहाँ से मेरा गाना स्टार्ट हो रहा है, हम वहीं से इस लूप को सेट करेंगे। आप देख सकते हैं इस पर अगर आप क्लिक करेंगे एक बार तो ये आगे पीछे आप इसको मूव करा सकते हैं, तो कुछ इस तरह से। अब इसको लूप मोड में आपको डालना है तो लूप पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आगे लूप मोड में सेट हो जाएगा। इसी तरह से आपको आगे करना है तो इस तरह से करते जाइए, और यहाँ पे आप जितने बार का डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए, 8, 10, 12, तो ये आपका पूरे सॉन्ग में आपके जो वॉइस है उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कुछ और भी फीचर जो काफ़ी कमाल की इसकी। तो प्लस पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे एक आएगा MIDI इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको सिंपली डिस्कवर पे आना है और इसके लिए आपको नेट भी चाहिए होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। और यहाँ पे कोई एक जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको फिर लगा लीजिए। चलिए मैं डाउनलोड करके इसको जल्दी से लगा लेता हूँ। तो चलिए इसी को हम यहाँ पे फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपकी ज़्यादा समय यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहता दोस्तों। और सॉरी दोस्तों क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, आप लोग को ही पता है कि मैं थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ। तो चलिए हमारा यहाँ पे जो है वो म्यूज़िक आ चुका है और सबसे पहले मैं सुन लेता हूँ। चलिए इसको हम ओके करते हैं और सिंपली आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप इस पे टच करेंगे तो ये प्ले होता है, मैं आपको दिखाता हूँ टच करके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं फटाफट, ताकि हम आगे का जो काम है उसको बहुत ही आसानी से कर सकें। तेरी
तो चलिए दोस्तों, एक छोटा सा सैंपल मैंने यहाँ पे बना लिया है और नीचे में आप देख सकते हैं मीडी का सैंपल आ चुका है। अब ये मीडी का सैंपल जहाँ से आपको लगाना हो वहाँ से लगा सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि ये आप स्टार्टिंग में रखना चाहते हैं, यानी इंट्रो इसका म्यूज़िक का, तो इसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी करके सारी ऑडियो को और म्यूज़िक को घसकाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से क्लिक करके आगे बढ़ा लेता हूँ। सॉरी दोस्तों, ये दूसरे ट्रैक पर आ गया। और इस तरह से म्यूज़िक को भी हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए इस म्यूज़िक को हम सेलेक्ट करके आगे बढ़ा लेते हैं। और अब जो है दोस्तों, यहाँ पे हम अपना हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप कटिंग वटिंग भी कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सुनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह करके आप एक सॉन्ग को बना सकते हैं। एक्चुअल में अभी जो आप ये साउंड सुन रहे हैं, ये फ़नी साउंड लग रही है क्योंकि यहाँ पे मैंने पीच इसके चेंज कर दिए हैं। तो आप इस तरह से दोस्तों करके यहाँ पे बहुत सारी फाइलों को जोड़ के एक अच्छा म्यूज़िक सैंपल बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप जो है सेव कैसे करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ एक बार फिर से कि ये जो ऑडियो है इसको आप निकाल नहीं सकते बाहर। इसको मैं निकालने का भी अभी तरीका आपको बताऊँगा, तो इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले इसको आपको सेव करना पड़ेगा, ये जो भी काम आपने किया फाइल की। तो सिंपली यहाँ पे ऊपर में जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे और सेव पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों पब्लिश कभी भी मत कीजिएगा, वो ऑनलाइन सेव होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको नेम डालना है, कुछ भी नाम डाल दीजिए जो आपको याद रहे, जैसे माई प्रोजेक्ट, और यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ ताकि हमें याद रहे, और इसको सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सेव हो रहा है। अभी जैसे ही सेव हो जाएगा मैं आपको बताऊँगा फिर कैसे इसको हम जो है निकालेंगे बाहर। तो सिंपली दोस्तों आपको ये जो फाइल एप्लीकेशन इसको बंद कर लेना है। बंद करने के बाद आपको क्या करना है, फाइल मैनेजर में आना। फाइल मैनेजर में जैसे आएंगे दोस्तों, तो उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल में आना है और यहाँ पे आपको मैं आपको बताता हूँ एंड्रॉयड पे आना है। दोस्तों ध्यान से एंड्रॉयड पे आना है और यहाँ पे डाटा पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। एक ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं डॉट बैंड लैब, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद फाइल में आएंगे, फाइल में आने के बाद ऊपर में ऑडियो में आएंगे और यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो आ चुकी होगी जो आपने सेव किया होगा। तो दोस्तों इस तरह से करके आप जो है इस फाइल को सेव कर लीजिएगा और इसको आप जो है यूज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनल जब भी आप सेव करेंगे तो ये आपका एक ट्रैक पे बन के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रैक है, तो इसके अंदर म्यूज़िक हमारी जो है वो सेट है पहले से। तो इस तरह से आप एक ऑडियो को अच्छी तरह से यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। और कुछ भी पूछना चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो समय समय पर लेके आते रहूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में बहुत जल्द।